हाय एवरीवन, टुडे आई एम ड्राइविंग महिंद्रा थार। 2022 का मॉडल है और डीजल का वेरिएंट है। मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर जो डीजल का टॉप वेरिएंट है, हार्ट टॉप, वो है। और ऑन रोड प्राइस इसकी है 16.5 लाख। इंजन 2.2 लीटर डीजल 4 सिलेंडर इंजन। और जो पावर है गाड़ी की, स्पीड जो पकड़ाने की ताकत होती है गाड़ी को, दैट इज 130 BHP, 130 BHP की पावर। और जो टॉर्क होता है, खींचने की ताकत होती है गाड़ी को, वो है 300 Nm का टॉर्क। अब थोड़ी बहुत बाकी चीज़ें की भी बात करते हैं। जो इसका टायर स्ट्रक्चर है, दैट इज 255/65R18 और C8 के टायर आते हैं ओनली फ्रंट डिस्क ब्रेक्स के साथ, 4x4 एज ऑब्वियस। अब इसमें पांचवा भी अलॉय व्हील है और इसमें जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, वो दो आते हैं। और ऐसा इसका जो है बूट खुलता है, ये भी खोल सकते हो तो, लेकिन पूरा खोल के, हाँ आप ठीक है, और ये बंद। थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि कहीं जोर से बंद करोगे तो इसको टूट ना जाए, हालांकि रबर स्लीव है इसके अंदर, ठीक है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी गाड़ी की है 57 लीटर्स और जो ग्राउंड क्लियरेंस है, दैट इज 226 mm क्लोज, कुछ इतना ही है, 226 mm के आसपास। अब ड्राइविंग रिव्यू शेयर करता हूँ। और गाड़ी है पवार ब्रदर्स यूट्यूब चैनल जिनका है, और प्रियांशु पवार, अभी 1 जनवरी को उन्होंने गाड़ी ली है और इसका जो ऑनरशिप है वो भी मैंने शेयर किया था। तो अब इसको चला के मैं बताता हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है थार के साथ। इससे पहले मैंने पुरानी थार भी चला के बताया था, 2017 का मॉडल, उसका लिंक ऊपर है, वो जाके देख लेना। अब मैं गाड़ी के बारे में छोटी मोटी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व की हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा। ये जो इसके ABC पैडल हैं, एक्सीलेटर हो गया, ब्रेक हो गई, इसकी क्लच हो गई, तो ये जो गैप है ये थोड़ा सा कम है, तो इसका नुकसान मैं बताता हूँ मुझे कहाँ पे हुआ। ये किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। ये जो था, जैसे मैंने जैसे लोफर पहने हुए, तो ये जैसे अगर साइड से खुले तो मेरा 2 बार यहाँ पे पैर अटक गया, ब्रेक पैडल में यहाँ पे मेरा पैर अटक गया था। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि पैर हम ऐसे ही रखते हैं, सीधा नहीं ऐसे रहेगा, तो शूज़ थोड़े ठीक पहनना। अब हो सकता है ये छोटी मोटी कमियाँ मैं बता रहा हूँ, किसी को आगे आएंगी, काउंटर करेंगे, कोई नहीं करेंगे, मेरी ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू मी मैं बता रहा हूँ। गाड़ी देखो फीचर्स के मामले में उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चलाने के मामले में थार का जो है चीज़ है, वो क्वालिटी वो और कोई नहीं मेंटेन कर सकता। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके बताता हूँ और प्रियांशु के साथ भी थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। भाई पुश बटन तो ले लेते हैं। भाई ये मर्द सवारी है, इसमें फीचर वीचर की जरूरत ना पड़े। तो किस चीज की जरूरत है इसमें? या मैं वहाँ साइड में खेत है ना, अभी चलेंगे थोड़ी देर में, अच्छा देखेंगे इसका जलवा, चलो वो भी देख लेंगे। अभी मैं इसका बता देता हूँ हाईवे का, लेकिन मैट थोड़ी सी दिक्कत दे रहे हैं मेरे जूते, या तो भाई मेरे जूते बहुत खराब है, जूते खराब है आपका, कोई कमी ना है। कि ब्रेजा में तो बहुत निकाल दी थी, इसमें कोई कमी नहीं होता है। चलो हाँ, कैसी लग रही है भाई? यहाँ तक तो बढ़िया लग रही है, जितना मतलब इस 0.5 से 10 सेकंड की जो मैंने ड्राइव ली है उसमें ऐसा लग रहा है स्टेयरिंग सॉफ्ट है, ठीक है। बाकी गाड़ियों के बराबर ही है, ऐसा नहीं है जैसे थार भार से बहुत नहीं बल्कि बल्कि लगती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा बड़ी गाड़ी लगा रहे हो, घुमाने में दिक्कत फील हो रही है, स्टेयरिंग बढ़िया है, ठीक है, लाइट है। अब अगर सही बताऊं ना, तो जैसे 2.2 लीटर इंजन जो भागता ना, वैसी पावर तो नहीं है, देखो मैं सही बता रहा हूँ, ठीक है। इससे ज्यादा टॉर्क तो एक जैसे XUV 3 वो भी निकाल देगी, 300 Nm वो भी निकाल देती है, 2.2 लीटर का इंजन है, तो उस हिसाब से थोड़ी कम है। ये चीज इसके सबसे अच्छे की 4x4 है, 4x4 हाँ, उसके लिए गाड़ी बढ़िया है। इतनी छोटी में 4x4 है, इतनी छोटी में 4x4 की कोई गाड़ी होगी जिसमें 4x4 हो, शायद है भी ना। हाँ देखो सस्पेंशन का ऐसा है, देखो हाई स्पीड पे कट तो मार नहीं सकते, मेरी ऐसी अभी तक ऑब्जर्वेशन है, आपको शायद आपने पता नहीं टेस्ट करी है कि नहीं करी, ये उस चीज के लिए है। हाँ जैसे स्पीड पे आप कट मारो, अभी कितनी है, 46 की स्पीड है, तो अगर ऐसे करेंगे तो पूरी झूल जाती है, तो इस पे ड्रिफ्ट व्रिफ्ट तो मारना मत, उस चीज के लिए गाड़ी नहीं बनी है। हाँ कहीं फंस फंस जाए, ऑफ रोडिंग करनी आपको शौकीन हो उस चीज के, हर किसी का जो है अपना अपना पैशन होता है, भाई किस पर्पज के लिए आप गाड़ी लेते हो, उसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो सस्पेंशन कैसा है, खराब रास्तों में तो गाड़ी कंफर्टेबल है, बस इसको हाई स्पीड पे ज्यादा कट वट मत मारना, ठीक है, वो चीज नहीं करनी इसके साथ। और भाई एक चीज और बता, हाँ ये जो आप ये बोनट देख रहे हो, हाँ इससे क्या फील आ रही है, मतलब कैसा लग रहा है? भाई बड़ी गाड़ी है बिल्कुल, बड़ी गाड़ी, बोनट पूरा दिखाई दे रहा है, फील आ रही है बिल्कुल एंड तक मुझे दिखाई दे रहा है। अलग चीज चला रहे हो एकदम ही, अलग तो नहीं कहूंगा। मतलब हाँ अच्छी है, मुझे थार के बारे में बेस्ट चीज यही लगती है, कहीं फंसेगी नहीं, रुकेगी नहीं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज है इस गाड़ी के बारे में। बाकी बोनेट की विजिबिलिटी देखो महिंद्रा की सारी गाड़ियों में अच्छी सारी है, हाँ।
XUV300 ले लो, फिर स्कॉर्पियो ले लो, थार ले लो, सब में अच्छी है, प्रॉपर ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है। अब इस गाड़ी के सबसे बारे में, इस गाड़ी के बारे में सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, एक्सीलेटर सॉफ्ट है गाड़ी का, रेस पैडल सॉफ्ट है, क्लच भी बहुत सॉफ्ट है। तो क्लच पैडल सॉफ्ट है गाड़ी का, ठीक है, वो डीजल इंजन का हैवी होता है ऐसा कुछ नहीं इस गाड़ी के साथ, एटलीस्ट ऐसा नहीं है। ये इसके मजे, हाँ, ये तो सामने रास्ते देख रहे हो ना, नॉर्मल गाड़ी को नहीं कर सकते हम इसके साथ ऐसे, ना ना बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसमें सोचना नहीं पड़ेगा, हाँ, आराम से जैसे सेकंड गियर में तीसरे में लगा रखी है, कोई एफर्टलेस, मतलब इतना सीमलेसली चढ़ते लगता है नहीं कि रेस भी दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं फील होगा कि बहुत ही हंगा लगा रही है गाड़ी और बहुत थ्रॉटल दे। टू हाई में ये ओनली, अब टू हाई में चला रहे हैं, 4x4 नहीं करी आपने, 4x4 की जरूरत नहीं, बड़ी बिना बात क्यों लगाना। अरे यार गियर बड़ा सॉफ्ट, अभी मैं सेकंड से थर्ड में गया ना तो बहुत सॉफ्ट है। और रुको, जैसे महिंद्रा की बाकी सारी चीजें करती हैं वो, जैसे बाकी गाड़ियां करती हैं, मैं वो भी करके देखता हूँ कि गियर इसके हिलते हैं कि नहीं। मैं स्टार्ट से लूंगा इसे एक बार, ठीक है, ठीक है। वो शायद हमने देखा नहीं इसका, नहीं भाई बिल्कुल नहीं हिलता, ना ना, ना, गाड़ी में ना, बहुत बढ़िया इम्प्रूवमेंट करी है महिंद्रा ने। जैसे तो XUV700 में काफी सही कर दी और थार में कर दी, डीजल इंजन की नॉइज ना, हाँ डीजल इंजन वाली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ है गाड़ी, स्टेयरिंग रोटेशन, ऑटो रोटेशन भी इसकी अच्छी है। आज तो तारीफ ही तारीफ मिल रही है भाई गाड़ी, देखो गाड़ी अगर तारीफ के लायक है तो, लायक है अगर तो मैं जरूर करूंगा, अगर नहीं है तो भाई कैसे जबरदस्ती कर दे, ठीक है। अब कंफर्ट ठीक है, सीट का अब मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी है, बाकी वो जूते का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी पैर नहीं टकराएगा वैसे, पैर आपस में नहीं टकराएंगे कि ब्रेक से एक्सीलेटर पर अगर स्विच कर रहे हो तो दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ लेके चलते हैं थोड़ा सा राइट में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा वो है, कहाँ पे, इधर यहाँ लेंगे थोड़ा सा रिवर्स करके, ले लो अब जहाँ ले लिया यहाँ नहीं सोच रहे कुछ भी, और ब्रेजा होती तो आपकी देखते, सोचते तो उसमें भी नहीं मजे आते, लेकिन वो टूट जाती, ये टिकेगी नहीं नीचे, हाँ। इस गाड़ी में फीचर छोड़ दो बस आप, हाँ ये मत कहना कि मेरी गाड़ी में ये भी नहीं, हाँ कि ये फीचर नहीं है मेरी गाड़ी में, वो फीचर नहीं, वो शिकायतें थार से मत करना, आगे तो कच्चा रास्ता है, ना 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 थार कोई फायदा नहीं है, अभी ऑफ रोडिंग करेंगे प्योर वाली, हाँ अगर ये पॉसिबल हो पाए तो इसी वीडियो में डाल दूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, नेक्स्ट में डालना क्योंकि फिर, हाँ ये सिर्फ मैं हाईवे का शेयर करता हूँ, ठीक है। अब मेन चीज जो मैं करता हूँ भाई, मैं गाड़ी के ब्रेक भी टेस्ट करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना, हमें कोई दिक्कत ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप, अच्छा गाड़ी में है कॉन्फिडेंस पूरा पूरा एक नंबर, चलो थार का इसका भी कर लेंगे, हाँ। उसका तो मैंने ना किया था, बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी उसको, उसके साथ था, उसको डिसअपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट चलो रुको यहाँ देखूंगा मैं, 50 वो होल्ड कर लेना सीट, ठीक है, 80 पे थार, आवाज तो पूरी करती है, आवाज तो पूरी कर, पर ठीक है फिर भी, रुको इसके ब्रेक, हाँ, रुको मैं वो दिखाता हूँ निशान है, करे कि नहीं करे, निशान हुए हैं, हाँ रुक रुक के हुए हैं, उतने लगातार नहीं करे, मतलब ऑब्वियसली नहीं करेंगे, ईबीएस है, अच्छे हैं, आवाज करती है भी, आवाज तो करती है, लेकिन वो बात नहीं, इधर उधर चली गई, स्टेबल है, मतलब अगर मारोगे ना तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी, तो ब्रेक्स देख लिए, गाड़ी स्टेबल रहती है स्ट्रेट लाइन में, अब किसी के एबीएस आवाज करेंगे किसी के नहीं करेंगे, लेकिन इसके आवाज करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट है थोड़ी सी ज्यादा ही आवाज है। अब इसे हाई स्पीड देखो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाई स्पीड में वैसे भी एक दो गाड़ियों के चेक करता हूँ, अगर मुझे उसके हिसाब से रोड कंडीशन मिलती है, अब नहीं मिल रही है तो नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस गाड़ी में दो लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये वाली सीट हटानी पड़ेगी, और गियर में जैसे मैं बाकी गाड़ियों में, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं फील होंगे, चाहे एक ही गियर में ज्यादा खींच के देख लो हाई आरपीएम तक, अभी जो टर्बो का किक मिलता है वो तो मिलेगा नहीं, कि अचानक टर्बो 2000 आरपीएम पे किक कर रहा है 2500 पे, वो तो फील करोगे नहीं इसमें, ठीक है, वो चीजें आप इसमें मिस करोगे। ऊंची ऊंची कितनी लगती है प्रियांशु? बहुत ज्यादा ज्यादा ही हो रही है कुछ रुको
ये तो छोटी मोटी थी इसके लिए, कुछ ना आए तो गंदी तो नहीं हो जाएगी गाड़ी। हम आप भी ना कमाल कर रहे हो, ये गंदी ही अच्छी लगती है। कुछ दाग अच्छे हैं, दाग थार को अगर दाग लग रहे तो दाग अच्छे हैं, साफ सुथरी बढ़िया बिना लगे। अच्छा अभी देखना आप कितनी आपस में आए, ब्रेजर ले आते कभी? हाँ भाई फंस जाएगी, यहाँ नहीं निकालेंगे लेकिन अभी पहले, क्योंकि इसका हाईवे का शूट करें, जब ऑफ रोडिंग का आएगा ना जब कर देंगे, जब कर देंगे, जब निकाल देंगे यहीं से। क्या हो गया? मजा आ रहे और अच्छा जैसे छींटे लगे मजा आ गए इतने। हाँ। भाई छींटे शीशे पे भी आ गए भाई इसके। अरे ये इसका काफी अच्छा है एकदम बिल्कुल भाई। यार एक सेकंड, ये बढ़िया था इसका है ना, काफी पूरे पता है। हाँ। पूरी विंडशील्ड पे मारता है। हाँ। वरना क्या होता अपनी बाकी गाड़ियों में नीचे नीचे मारते रहेंगे। हाँ, ये मेरे को काफी अच्छा लगता है इसका। नाइस, कितने में उठा दिए भाई हमने? ऑटोमेटिक पे कर दिए गए ये, अब ठीक है अब करते हैं, अब भी ऑटो पे ही है। तार पाड़ते इसके। इस गाड़ी की ये है कि ये मेरे पे चल जाएगी दो तीन साल। दो अच्छा आप पे दो तीन साल चल जाएगी? मेरे पे दो तीन साल चल जाएगी ये। हाँ, मैं आप पे बस इससे भी रेस टग ऑफ ये सब करोगे क्या? और क्या ली क्यों है फिर ये? ऐसी कोई गाड़ी खड़ी करने के लिए थोड़ी ली है। अल्टो तो लगे रेंज रोवर सब जोड़ दूंगा इसके पीछे, खींच देगी सबको। वो तो पता लगेगा, वही तो देखने लायक रहेगा ना। ये बात भी ठीक है। रह रहे के मन में वही आ रहा, ऑफ रोडिंग करो पर ना ये हाईवे वाला पार्ट है। तो देखो अब ज्यादा इसको वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे, मैं अपना ब्रीफ जो है इसका फीडबैक वो मैं शेयर कर देता हूँ। स्टेयरिंग सॉफ्ट है, क्लच भी सॉफ्ट है और जो एक्सेलेरेटर पेडल है वो भी सॉफ्ट है। ज्यादा रीच मतलब ज्यादा भी बहुत ही नीचे तक दबानी पड़ रही है ऐसा कुछ नहीं। अगर जो थार मेरी तरह किसी ने अगर नहीं चलाई हो पहले, नहीं पता हो, तो ये फीडबैक उनके लिए है, ठीक है? तो उनके लिए बाकी कोई गियर में कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई स्टिक नहीं हिलती है जैसे यूजुअल महिंद्रा की गाड़ियाँ हिलती हैं, तो वैसे नहीं हिलेगी। और गियर सॉफ्ट है, जो इसका ऑटो शिफ्ट भी ठीक है, मतलब जैसे ऐसे करोगे तो हल्का सा जैसे शिफ्ट करो, पुश करोगे तो अपने आप गियर से शिफ्ट हो जाता है। ये एक जो है इसका मैकेनिज्म ठीक है, अच्छा काम कर रहा है। आर्मरेस्ट पे आराम से एल्बो रख के गियर शिफ्ट हो सकते हैं, मतलब ऐसे नहीं हटा के। भाई हैंड ब्रेक लगाने में दिक्कत आती है आपको? मुझे तो आएगी, आएगी ना, मतलब है, ये मतलब ऐसे ना? हाँ थोड़ा सा एडजस्ट करके लगा लेते तो अच्छी। हाँ। सी लगती, अच्छे से गाड़ी घूम पाती। तब तो हो जाए। इससे ड्रिफ्ट थोड़ी मारोगे? क्यों मारनी इससे? क्यों नहीं मारेंगे भाई, सस्पेंशन के साथ कैसे मारोगे? आप मार सकते हो भाई, मैं तो नहीं मारूंगा इसमें। ये मजा है इसके। अब यहाँ मैंने ये नहीं सोचना पड़ा निकलेगी नहीं निकलेगी, बस थोड़ा सा रेत ऊंचा दिखाई दिया, चलो यहाँ से थार लेके चलो। और ये सिंपल 2i में चल रही है अब ये तो। हाँ, 4x4 तो जो इसका मेन फीचर वो तो हम यूज ही नहीं कर रहे, जैसे अभी तक मैंने इसमें 2i में चलाया, अब इसको मैं यहाँ पे एक बार 4 में करके देखता हूँ कि कितना क्या आवाज में फर्क पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। अब इसको मैं जैसे 2h में है, कर दो पूरा, कर दिया 4h में कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा लिखा 4x4 4h आ गया। हालांकि देखो सही बताओ यहाँ ज्यादा फर्क महसूस हो नहीं रहा है, क्योंकि गाड़ी पे एफर्ट ही नहीं आ रहा, लोड नहीं पड़ रहा है, तो ज्यादा फर्क यहाँ महसूस नहीं होगा। वो महसूस होगा ऑफ रोडिंग के कच्चे रास्तों में, तो यहाँ मुझे ज्यादा फील नहीं हो रहा है कि हाँ बहुत ज्यादा जो है इसको पावर मिल गई, दुगनी स्पीड से भाग पड़ रही है। इंजन तो वही पावर दे रहा है बस। खेत में ना, वो खेत मेरा रड़क रहा है। अच्छा वहां लेके चलनी है, खेत रड़क रहा है। तो ऐसे करते हैं, ये वीडियो फटाफट यहीं वाइंड अप करते हैं, रिव्यू ले लिया, ऑफ रोडिंग करेंगे, ऑफ रोडिंग का वीडियो देख लेना। हाँ। भाई का ओनरशिप का लिंक ऊपर है, जाके देख लेना, नहीं देखियो तो इसके बाद आएगा ऑफ रोडिंग का। सो इस वीडियो में बस इतना ही, थार का ये मेरा रिव्यू था, ब्रेकिंग टेस्ट आपने देख लिया। और थार को आप मैं फीचर्स ये तो कहूंगा नहीं कि भाई इसमें ये फीचर नहीं दिया, हार्ड टॉप है तो मैं ये नहीं कह सकता इसमें सनरूफ देना ये वो नहीं है, छोटी बात हो जाएगी। तो थार के बारे में वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। थार का बस जो है ऑफ रोडिंग के लिए जानी जाती है, अपने माचो लुक के लिए कहीं भी घुसा दो ये तो उस सब के लिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई रिव्यू ऑन दिस महिंद्रा थार 2022 वेरियंट बॉट ऑन 1st January 16.5 lakh की आपको ऑन रोड पड़ी थी। तो अब ऑफ रोडिंग वीडियो का वेट करना, थैंक यू सो मच। देखना वो है ना उस पे चढ़ाएंगे। किस पे? अच्छा वो सामने वाला चढ़ा देंगे,
चढ़ा देंगे भाई, फिर अब पता है ये रास्ता बच जाएगा जो हमें घूम के जाना पड़ता है, भाई वहां से यहां सीधा अपने रोड पे चढ़ जाएंगे। थार में बैठते कॉन्फिडेंस आ गया, चलो चढ़ा देंगे, चढ़ा देंगे ना। ओहो ये भाई देखो, अरे दिखाई नहीं, मुझे तो आसमान ही दिख रहा था जब चढ़ी ना, बस आसमान में चले, रोड तो दिखाई नहीं एक बार क्योंकि हाइट काफी ज्यादा थी। काफी मजा आया ना। अरे भाई बेहतरीन है, 2 साल बाद मुझसे एक बार बात कर लेना, बेच लेने का प्लान होता। मैं इसको नहीं बेचूंगा, मैं इसको 10 साल रखूंगा। ओहो 2 से सीधा 10 से, चलो बढ़िया।